ऑस्ट्रेलिया का एक शहर डब्बो और ये हमारी मोटेल एटलास। हम अभी ऑब्जर्वेटरी जाकर आए लेकिन हमें टिकट नहीं मिली। वेलकम बैक दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस नए ऑस्ट्रेलिया के सफ़र में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिडनी से हम डब्बो की तरफ आए और वहाँ पर हमने डब्बो ज़ू की मुलाकात ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो क्विकली ये फ्लैशबैक आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो डब्बो सिटी। जा रहे एटलास मॉडल के अंदर तीन चार टाइप के रूम है। सिंगल, ट्विन, फैमिली और दूसरी टाइप का है शायद। तो उसके अंदर हमारा जो रूम है फैमिली रूम है वो $180 का है। आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। एडवांस हमने कुछ पे किया नहीं, अब जाके हम पे करेंगे। और 2 बजे बाद चेक इन करना है और सुबह 10 बजे चेकआउट है। और अगर आप फैमिली रूम के अंदर आपको एक क्वीन बेड मिलेगा और एक सिंगल बेड मिलेगा, एक या दो सिंगल बेड मिलेगा। और ट्विन के अंदर आपको 2 बेड मिलेंगे, बाकी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम ही है। आप देख सकते हो ये एटलास मॉडल है जहाँ हम रुके हुए हैं। और इसका चार्ज 180 समथिंग कुछ था। ये आप देख सकते हो होटल का बाहर का एरिया है और यहाँ पर छोटा सा बारबेक्यू एरिया है जहाँ पर हम हमारा खाना गर्म करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है और यहाँ पर हम खाएंगे। और साइड में आप देख सकते हो छोटा सा स्विमिंग पूल है। खाने के बाद बच्चों को जलसे हैं यहाँ पर। और हमारे इतिश भाई नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। कैसा रहा आपका सफ़र डब्बो में? थक चुके हो? गर्मी ज़्यादा है? जाके भी सो जाना है, खाना खाएंगे। सो जाना है? हमारे साथ पानी में नहीं आओगे? आना पड़ेगा आपको। चलिए बच्चों को छोड़ दूँगा। ऑलराइट, सो बच्चे यहाँ पर तैरेंगे बिना पेरेंट्स के सुपरविज़न के। आप वीडियो में प्रूफ देख सकते हो। अब देखिए ये हमारा फैमिली रूम है और इसके अंदर एक सिंगल, एक क्वीन और सामने एक और सिंगल, टोटल 3 बेड है। खाने का एरिया है और किचन एरिया है। छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है, टीवी और एसी दिया हुआ है। सो नॉट बैड। $185 फॉर दिस रूम फॉर 24 आवर्स। इट्स अ गुड प्राइस। और वहाँ पर पीछे शावर और टॉयलेट एरिया दिया हुआ है। जम से रिकॉर्ड करो, चल जम जम। हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है। हमारा जो लोकेशन है, लोकेशन के करीब ही एक छोटी सी मस्जिद है, 2 किलोमीटर तकरीब। और आप देख सकते हो ये शाम का मगरिब का टाइम है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और छोटी सी काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। इसका एड्रेस है 71A टेम्पल स्ट्रीट डब्बो। तो अगर भाई नमाज़ पढ़ना चाहे तो यहाँ तकरीबन करीब में अगर कोई भी जगह पर है तो आप यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हो। Alright, everyone will say the introduction. Okay. I'm Hanzala. Okay. As you know, I'm Astifa. This is... I'm Aisha. This is Yahya. These three are Talha, Taskin and Aisha. Hi guys, रात को अभी तकरीबन 9 बजना है। हम अभी जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से आसमान की काफ़ी सारी चीज़ें जो बताते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं शायद हमें कोई टिकट वगैरह मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो सारे टिकट फुल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जाके एक ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, अगर मिल जाता है तो आपको एक चीज़ और दिखाएंगे हमारे शो में। सो होप फॉर द बेस्ट। यहाँ की ऑब्जर्वेटरी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, जिससे आप आसमान की इस तरह से रात को चीज़ें सब देख सकते हो, दूर दूर के तारे भी देख सकते हो। इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा आपको देख ही जाएगा। और दूसरे छोटे छोटे 5-7 टेलीस्कोप्स भी हैं। सो आपको पहले वो गाइड करेंगे किस तरह से क्या है आसमान में, फिर आपको खुद देखने देंगे 1 by 1 करके। Yes, I am so excited, so I really want to go. Yeah, and are you excited too? Are you excited? Yes, I'm really excited, guys, to go. It's going to be really fun. And everyone, don't forget to subscribe and like. And don't forget to comment below. Alright, दोस्तों, हम अभी ऑब्जर्वेटरी जाकर आए, लेकिन हमें टिकट नहीं मिली। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ऑब्जर्वेटरी जाने के लिए बादल नहीं होने चाहिए, आसमान एकदम साफ होना चाहिए। अगर आसमान साफ नहीं है तो आपका शो कैंसिल होगा। सो गुड लक। हमें नहीं मिला, वापस जा रहा है। रात का देर तक 12 बजे तक का शो होता है, लेकिन अभी कुछ भी टिकट अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। उस दिन 2 जनवरी था, सो रिसेंटली क्रिसमस ख़त्म हुई थी, तो सारे शॉप में आप देख सकते हो किस तरह क्रिसमस का पूरा डेकोरेशंस लगाया हुआ था उन लोगों ने। यहाँ पर नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के सब गाँव में रात को 6-7 बजे के बाद इस तरह सन्नाटा हो जाता है। ये मेन स्ट्रीट है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितनी सुनसान है। अभी तकरीबन रात के 9:30 तकरीबन बचे होंगे, फिर भी देख सकते हो कितना सन्नाटा है। और ये देखिए, बीचों बीच उन्होंने क्रिसमस का बड़ा ट्री लगाया हुआ था, डेकोरेशन किया हुआ था, जो बच्चों के लिए काफ़ी खूबसूरत था। और ये भी देखिए, गवर्नमेंट ने इस तरह रास्ते पर LED लाइट्स लगाई हुई थी, जिस पर बच्चे खेल सकते हैं और वहाँ मज़े कर सकते हैं। हमारा दिन ख़त्म होता है और कल आपको हम डब्बो की जो सबसे मशहूर पुरानी जेल है उसका सफ़र कराएंगे। सो बने रहिए हमारे इस डब्बो के सफ़र में।